आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे YouTube चैनल पर तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक है। दुआ करना है कि तमाम बहन भाई जितने होंगे ठीक ठाक होंगे, घर वापियत नाल होंगे। तो असी ना हूँ दोपहर का टाइम हो गया तो बदल जो ने कोई बहुत बने हुए ने बेटे उठ जोड़ के आ तो बर्तन चुक के ले आई। जो असी नाश्ता वगैरह किया बर्तन रात वाले चालन वाले भी उस तरह ही पे हुए थे। जो सुबह नाश्ता किया पे थे तो मैं क्या चल बर्तन धो लव पहले तो फिर कोई ना बच्चों का रोटी चालन का करने। अलहमदुल्ला जो बर्तन ने वो तो चुक गए ने इन्हें चुक के रखने हूँ। तो बाकी आप हूँ कोई लकड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम ने सौ रुपए द छापियां लिया से तो हूँ खत्म हुई पे थोड़िया जी ने कोई बहरों लकड़ा भी बना के लियाइए। ठीक ठीक है। बदल भी बहुत बने हुए हैं तो ना महसूस इस तरह हो रहा जिस तरह की बारिश होगी। आप हम लकड़ा का भी कोई करिए तो ना प्याज वगैरह भी नहीं ने चलो अलहमदुल्ला लकड़ा जो ने ना वो असि लैके आ गए। बाकी नाल मैं मेथी ते मेथे ते थोड़ा जा धनिया लैके आई हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक करते ने ते गाजरा जो ने ना वो असि पहले ही लैके आए। वैसे बैठा नहीं जाता तो मैं क्या चल मैं नाला पा लें तो बहुत ही सौख हो जाती है। प्याज लैन गया रावल दुकान तो आलू से गाजर जो ने ना वो असं बना रहे हैं फिलहाल। तो बच्चों के पेपर भी शुरू हो गए हैं लेकिन ना मेरे को सारा साल भर ना तो ट्यूशन रखा गया तो ना ही इन्होंने फीस अदा हो सकी है। तो देखिए बच्चे बेचारे पता नहीं की कारगर्दगी करते हैं तो की नहीं करते। ये तो इन्होंने मेहनत के सिर पर ही है। बकाया असी हम सब्जी बना रहे हैं अम्मी और छिल रहे ने आज बाबी साथ दे रही है बाबी काट रही है तो मैं ना छिल रही हूँ। मैं क्या चल आ जा तुसी हेल्प कर दो क्योंकि फिर चूल्हे का काम तो ना मिल जुल के ही आता है। बाकी हम मेरे आलू छिलन वाले रह गए ने गाजर तो असं बना लगे ने आलू ही रह गए। सब्जी वगैरह जी साड़ी तैयार हो गई हम इतने गाजर ते आलू भी कट्टे गए मसाला भी मेथे ते है दूसरा और धनिया बकाया मसाला भी तैयार हो गया जी सारा कुछ तैयार हो गया साडा ते प्याज उत्ते रख दिते ने घी पा के प्याज तैयार हो रहे ने नानू होरी भी आ गए ने चलो अज रौनक लग गई आई है। हां जी इना दे अज उना दा भी इथे ही है खाना पीना। हां जी अज से पहले मेहमान हां जी सालन वगैरह पकाया नहीं है तो उन्होंने कहा सी भी इथे ही। अज फिर तंदूरी दोबारा बालन पाना जी या देखने आ मैं तो कहना इथे ही बना लो वो गरम तो होंदी नहीं जल्दी। हां जी फिर बालन दी भी कमी है वो पुरानी होई पई है नवी बनावांगे। आया कितनी देर तक तैयार हो जाएगा मसाला बस थोड़ी देर ही देखो बिस्मिल्लाह।
बकाया मिसाल हो गया साढ़ा तैयार। माशाल्लाह थोड़ी देर बुज लवे बस फिर पाने। हाँ जी बस अलहमदुलिल्लाह मिसाला जो है ना ये थोड़ी देर दे विच तैयार हो जाना है। धनिया भी बिल्कुल खत्म होया पे हल्दी तो काफी दिन आ अपने घर कोई नहीं। चलो कोई नहीं मसाला हो गया साढ़ा तैयार। जी तो अलहमदुल्ला मसाला तैयार हो गया तो हम फिर वेट करने सब्जी। आग बहुत तेज है मेथी का तो पानी ये बेटा धो के लेके आओ उधरों टोकरी दे विच पा के ना धो के ले आओ। धनिया भी हां जी धनिया भी विच धो दो ना उन्ने देर नु ना भुन लेनी है सब्जी ना। एक बार अच्छा किया काया सलन जेड़ा है ना वो बस साडा तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। भुननी गई है सब्जी देखो माशाल्लाह नानो गई अबू और आ गए ने। हां जी उन्हां दे भी ना अज सालन इत्थों ही उन्हां ने भी लेना है 10 बजे तो ना फिर भाभी ने वैसे भी बहुत हेल्प कीती आज ते। हां जी इस तरह आनंद बाबे इस तरह रहन ते किन्ना फैमिली मुकम्मल हो जांदी। मेरे बच्चे कहंदे ने कि असीं ना चार चार सब्जियां पंज पंज मिला के ते पकवानियां ने मजा आंदा। पूरी हुक्का चलाने की तैयारी कर ले जी कर लैण दे सु अबू ने फिर बना रोटियां भी नहीं देनिया। हाँ जी ता ही तो ज्यादा आग बाल रहे ने कि छेती मेरा हुक्का बने। हाँ जी माशाल्लाह सालन साडा हो गया बस तैयार। उतार दे उतार दे क्योंकि ज्यादा गाल रहा है। लकड़ी चाय फूकनी उतार लिया तवा रख दे अपनिया पोजिशन संभाल लिया ने बाकी तेरे मामू के घरे भी सालन देना सी बेटा बस इन्हों
ਰੱਖਾ ਦੂਸਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ